बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, एक हार्ड डिस्क है जो कि इस टाइम सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा और इसमें मेरा बहुत सारा कीमती डेटा मौजूद है। आज इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जाता है। एक सिंपल सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को दोबारा रिस्टोर या रीएडजस्ट कर सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा और डेटा सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के बैक पे पेज आप नज़र आ रहे होंगे, इनको आराम से आपने खोल लेना है। सिर्फ आपको ये करना है कि कोई भी इरेज़र लेके या टिश्यू लेके जो जो पॉइंट आपके हार्ड डिस्क और इसके मदरबोर्ड के दरमियान में कनेक्ट होते हैं उनको आपने क्लियर करना है। इसके ऊपर यूजली यही होता है कि कार्बन जमा हो जाती है या डस्ट वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क डिटेक्ट ही नहीं होती। जो पॉइंट्स हैं उनको आपने साफ़ कर देना है किसी भी सॉफ्ट चीज़ से। और सेम ही आपने आराम से इन पॉइंट्स को साफ़ करना है। और इसको एज इट इज़ वापस आपने लगा देना है।
आइए दोस्तों, ये 1000 GB की सीगेट की हार्ड डिस्क में आपको डिटेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जस्ट हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी और अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बायोस में आ चुका हूँ। ये बूट सीक्वेंस में भी आ गई है। और यहाँ हार्ड ड्राइव में भी ये ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको विंडोज़ में इसको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क की तमाम ड्राइव्स आ गई हैं और मेरा डेटा भी इसमें सेफ है। ये सीक्रेट की है हार्ड डिस्क ड्राइव 1 टेरा। अपनी तमाम ड्राइव्स और डेटे के साथ महफूज है और बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और किसी किस्म की मज़ीद आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उस बारे में कमेंट कीजिए, मैं आपको अपलोड कर दूंगा।